राजधानी देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार शाम तबीयत बिगड़ने पर जानसार क्षेत्र से 18 वर्षीय लड़की निशा को भर्ती कराया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया, जिसके चलते देर शाम से ही युवती का शव इमरजेंसी के बेड पर ही रखा रहा, जिसे पुलिस की मदद से मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दून मेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसको लेकर इस मामले में निष्कर्ष निकाला जा रहा है। एक लड़की है, निशा नाम की, 18 वर्षीय लड़की, उसको एडमिट कराया गया था कल रात को। समय का तो आप ही बताइए। उसके बाद तत्काल उसकी मौत हो जाती है कुछ देर बाद, और मोर्चरी में इस समय बॉडी है। सर, क्या कुछ मामला था और किस कंडीशन में यहाँ पर एडमिट की गई और कुछ लापरवाही का मामला भी बताया जा रहा है? हाँ, देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया कि निशा नाम की एक 18 साल की लड़की, जो काफ़ी तेज़ बुखार, पेट में दर्द और मुंह से खून आने की शिकायत को लेकर रात लगभग 11:15 बजे इमरजेंसी में भर्ती की गई थी, जहाँ पर हमारे मेडिसिन के डॉक्टर ने उसको देखा और कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाई। अब ऐसे में घर वालों का जो इस तरह का इल्ज़ाम है कि शायद कुछ दवाइयाँ दूसरे मरीज को दी जाने वाली इधर दी गई हैं, तो उस तरह का तो कुछ हमारी शुरू की इंक्वायरी में नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी हमने एक अपने डिप्टी MS डॉक्टर डोभाल और बाकी डॉक्टर्स के निर्देशन में एक कमेटी गठित करी है, जो 2 दिन के अंदर इस चीज़ की हमें पूरी इंक्वायरी कर आख्या देगी, और उसी के आगे फिर हम लोग उसमें एक्शन लेंगे।